नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ अमृता चौरसिया। एक नजर सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में आखिरी दौर का मतदान शुरू। शांतिपूर्ण वोटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अति संवेदनशील बूथों पर खास नजर। लखनऊ में 12 घंटे चली मुठभेड़ में संदिग्ध आतंकी सैफुल्ला ढेर। यूपी एटीएस ने बताया आईएस के खुरासान मॉड्यूल का सक्रिय सदस्य। देश भर में अलर्ट। उपराष्ट्रपति का आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर। आतंकियों के मददगारों पर कड़े प्रतिबंध की वकालत। मुक्त समुद्री व्यापार को बताया समय की जरूरत। मछुआरे की हत्या पर भारत की कड़ी आपत्ति। राजनीतिक दलों और मछुआरा संगठनों ने की घटना की निंदा। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने दिए जांच के आदेश। और बेंगलुरु टेस्ट जीतकर टीम इंडिया ने की सीरीज में बराबरी। ऑस्ट्रेलिया को 75 रनों से हराया। लोकेश राहुल बने मैन ऑफ द मैच। और शुरुआत विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में आखिरी दौर के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। मणिपुर से पहले बात यूपी के आखिरी दौर के मतदान की। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर वोटिंग हो रही है 40 सीटों पर 7 जिलों की। लोग जो है अपने घरों से निकल चुके हैं, कतारबद्ध हो चुके हैं। आखिरी चरण सातवें दौर का यह मतदान है। लोगों में भारी उत्साह है और प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां की हैं ताकि मतदाताओं को किसी तरह की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। जो पोलिंग बूथ है वहां पर हर तरह की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं लोगों को कतारबद्ध, चूंकि सुबह का वक्त है, 7:00 हुए हैं और आप कतारों में लोगों को, महिलाओं को खास तौर पे देख सकते हैं। और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे संख्या में वृद्धि होगी। उत्तर प्रदेश में आखिरी दौर के लिए मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ भी जुटनी शुरू हो चुकी है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली है। उत्तर प्रदेश में सातवें दौर की 40 सीटों पर 535 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। इनमें 51 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। मतदान के लिए कुल 14,458 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अंतिम चरण में 1,41,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें 64,76,000 महिलाएं हैं। आपको बता दें कि इस दौर के लिए 7 जिलों की 40 सीटों में से 37 पर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जबकि सोनभद्र जिले में रॉबर्ट्सगंज और द्विंदी के साथ चंदौली जिले की चकिया विधानसभा सीट पर शाम 4 बजे तक ही वोटिंग होगी। इन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है। यूपी के जिन 40 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र और भदोही जिले की सीटें शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश की 402 सीटों के लिए मतदान पूरा हो जाएगा, जबकि 9 मार्च को अंबेडकर नगर की आलापुर सीट पर वोटिंग के साथ ही प्रदेश की सभी 403 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और हम सीधा रुख करेंगे अपनी संवाददाताओं का। कृति मिश्रा जो कि हमारे साथ वाराणसी से जुड़ी हुई हैं, साथ ही अखिलेश सुमन जो कि इम्फाल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कृति आपका रुख करेंगे वाराणसी, जहां की 8 विधानसभा सीटों पर सबकी निगाहें हैं। हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी बना हुआ है फिलहाल। अभी चूंकि 7:00 हुए हैं, मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ किस तरीके से जुट रही है और वहां पर इंतजाम भी पुख्ता है, कितना उत्साह दिख रहा है अभी शुरुआती दौर में?
जी अमृता, देखिए इस समय मैं वाराणसी कैंट क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर हूँ। अमृता, मैं आपको बता दूं कि वाराणसी कैंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट मानी जा रही है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने काफी मेहनत की है इस सीट को हथियाने के लिए। और अगर मैं आपको अपने पीछे दिखा सकूं, सुबह से ही लोग कतार में लग चुके हैं। आप देख सकती हैं करीब 6:45 तक अमृता लोग यहाँ पर आ गए थे, लाइनबद्ध हो गए थे। बल्कि पोलिंग ऑफिसर्स को कहना पड़ा कि देखिए वोटिंग का टाइम सुबह 7 बजे से है, ना कि 6:45 से। कई औरतें भी आ चुकी हैं जो अपने मत का प्रयोग करना चाहती हैं, युवा भी हैं, यहाँ पर सब कतारबद्ध हो गए हैं। तो अमृता, पिछले साल के पिछले बार के अगर मैं चुनाव की बात करूं तो वाराणसी क्षेत्र में करीब 58% वोटर टर्नआउट था, लेकिन इस बार जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने एफर्ट्स डाले हैं, लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश की है, तो एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस बार वोटर टर्नआउट काफी अच्छा होगा। अभी तो फिलहाल सुबह सुबह का टाइम है, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा हमें उम्मीद है कि लोग भारी तादाद में अपने घरों से निकलेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल प्रीति, जैसा कि आपने बताया कि समय से पूर्व लोग वहां पर पहुंच गए थे, यानी कि लोगों का जो उत्साह है उसका अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है, और जाहिर में ऐसे पे वोटर टर्नआउट जो है वो बढ़ेगा। क्या अगर कुछ लोगों से अगर बात हो पाई हो जो सुबह सुबह आ गए थे उत्साह के साथ, वो कौन से मुद्दे हैं जो उनके जहन में है, खासकर वाराणसी को लेकर जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है? जी हाँ अमृता, देखिए मुद्दे कई सारे हैं। अमूमन लॉ एंड ऑर्डर की सभी लोग बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की युवा लगातार बात कर रहे हैं, और साथ ही अगर वाराणसी स्पेसिफिक मुद्दों की मैं बात करूं तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो बहुत ही अनसाइंटिफिक तरीके से बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जो सड़कें हैं उनकी हालत खस्ता है, घाट की सफाई की लगातार लोग बात कर रहे हैं, और किस तरह से गंगा एक्शन प्लान है, किस तरह से नमामि गंगा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ेगा, इन सारी बातों को लेकर लोगों में चिंता जरूर है। लेकिन इसके उलट एक जो सबसे बड़ी विडंबना है हमारे समाज की अमृता, वो ये है कि कास्ट कम्युनिटी के आगे आजकल लोग कम ही बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से पूरे चुनाव प्रचार में भी आपने देखा था कि जाति और धर्म पर ज्यादा फोकस था राजनीतिक दलों का, तो कहीं ना कहीं वोटरों से बात करके ये इस बात की झलक मिलती है कि उनके लिए भी जाति और धर्म फिलहाल महत्वपूर्ण दिख रहे हैं। जी अमृता, बिल्कुल, यानी कि लोग जो हैं वो विकास के मुद्दे को अपने जहन में रखे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से सीट बंटवारा हुआ है कहीं ना कहीं जाति भी मायने रखती है। आप साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या हम वहां पर भी ऐसे कुछ मॉडल पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, क्योंकि हमने पिछले चरणों में देखा कि कई जगह पे खास तरह के आकर्षण का केंद्र रखा गया था मॉडल पोलिंग बूथों पर, तो क्या वाराणसी में भी अलग अलग बूथों पर ये चीजें देखने को मिल रही हैं? जी हाँ अमृता, फिलहाल जिस मतदान केंद्र में है हम, इसे मॉडल पोलिंग बूथ में नहीं कन्वर्ट किया गया है, लेकिन ऐसे कई सारे मतदान केंद्र है जहां पर मॉडल पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां दिव्यांगों के लिए अलग सुविधाएं हैं, वोटरों को अट्रैक्ट करने के लिए तरह तरीके से सजाया गया है मतदान केंद्र को, और वोटरों को सुविधा मिले इसके लिए पानी का इंतजाम किया गया है, कई जगह कार्पेट बिछाई गई है। तो अमूमन तैयारियां पूरी हैं इलेक्शन कमीशन की कि किस तरह से वोटरों को असुविधा ना हो। जी अमृता, बिल्कुल, आखिरी चरण का मतदान है और मतदाताओं की सुविधा का खास ख्याल रखा है चुनाव आयोग ने। कृति, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। और रुख करेंगे मणिपुर का, मणिपुर में भी दूसरे और आखिरी दौर का मतदान जो है वो शुरू हो चुका है, यहाँ भी लोगों में वोटिंग को लेकर काफी उत्साह है। मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ जो है वो अब नजर आने लगी है, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको बता दें कि राज्य के 6 जिलों में करीब 4 लाख महिला मतदाता समेत कुल 8 लाख मतदाता आज 98 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में दर्ज कर सकेंगे। यूनाइटेड नागा काउंसिल की ओर से आर्थिक नाकेबंदी और उग्रवादी संगठनों के मद्देनजर राज्य में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, बड़ी तादाद में अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। दूसरे दौर में 10 जिलों की 22 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि मणिपुर में पहले चरण के लिए 4 मार्च को वोट डाले गए थे। 4 मार्च को 38 सीटों पर रिकॉर्ड 84% मतदान हुआ था, जो कि अब तक का सबसे बेहतर रिकॉर्ड था, और इस बार भी चुनाव आयोग ने सारी तैयारियां की हैं ताकि जो वोटिंग प्रतिशत है वो अपने पहले चरण के रिकॉर्ड को दोहरा पाए। और सीधा रुख करेंगे मणिपुर से, अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी होगी, वहां पर भी आपसे जानना चाहेंगे, सुबह सुबह का वक्त है क्योंकि समतल नहीं पहाड़ी इलाका है, थोड़े दुर्गम इलाके भी हैं, वहां पर
इस वक्त क्या लोग अपने घरों से निकल चुके हैं और कितना उत्साह है वोटिंग को लेकर लोगों में? देखिए अमृता, मैं जहां अभी खड़ा हूं, यह जगह का नाम है सेनापति। सेनापति वह इलाका है जहां यूनाइटेड नगा काउंसिल ने इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर रखा है और यह उनका समझिए कि मुख्य गढ़ है। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको जरा यहां का पहले विहंगम दृश्य दिखाए कि किस तरह पहाड़ के ऊपर बने हुए इस पोलिंग बूथ पर लोग पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरा इलाका सेनापति का बिल्कुल पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है जी। और यहीं से जो सड़क जाती है वो नागालैंड की तरफ जाती है और दूसरी इम्फाल की तरफ जाती है। सेनापति तकरीबन 65-66 किलोमीटर दूर है इम्फाल से, लेकिन यहाँ आने में तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों की भारी कमी है, लेकिन आप देखिए यहाँ लंबी कतार सुबह से लगी हुई है कि आपको यह महसूस नहीं होगा, यहाँ तक कि समतल इलाके में इस तरह का उत्साह नहीं देखा गया है जिस तरह का उत्साह आपको देखेंगे। और मुझे यहाँ पता चला कि यहाँ 5 बजे से लोग आकर लाइनों में खड़े हैं, 5 बजे से लोग आकर लाइन में खड़े हैं और वोट में अपने अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पुरुषों की लाइन देखिए, महिलाओं की लाइन देखिए, अलग अलग बनी हुई है। काफी बड़ी संख्या में नौजवान यहाँ खड़े हैं और आप समझ सकती हैं कि इस इलाके में जहाँ अभी आर्थिक नाकेबंदी का ये मुख्य गढ़ है, उस जगह पे लोग इतने उत्साह से खड़े हैं, बहुत ही सकारात्मक बात है। बिल्कुल अखिलेश जी, ये तस्वीरें काफी उत्साहवर्धक हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 5 बजे से लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए और उत्साह देखने ही बनता है, यानी कि जो वोटर टर्नआउट है वो पहले चरण को भी क्रॉस कर जाए ऐसा हम मान सकते हैं। अगर आपके लोगों से बातचीत हुई हो, क्योंकि वहां पर तरह तरह की समस्याएं हैं और आर्थिक नाकेबंदी से भी लोग जूझ रहे हैं, सरकार को लेकर भी कुछ कुछ रोष है, लोगों के मन में क्या मुद्दे हैं खास तौर पे जिसे लेकर वो निकले हैं वोट करने के लिए? निश्चित तौर पे अमृता, यहाँ लोगों के मन में कई बातें हैं, लेकिन मैं आपको यहीं के एक वोटर से बात कराता हूँ जो यहाँ अभी लाइन में खड़े हैं और वो बताएंगे आपको, खुद उनके मुंह से सुनिए। वो हिंदी बोलते हैं, आपका नाम क्या है? विष्णु खरेले। थोड़ा जोर से बोलिए। विष्णु खरेले सर। आप कब से लाइन में आ गए? मैं 5 बजे से यहाँ लगभग हूँ। अच्छा, तो यहाँ कौन से मुद्दे हैं, किस बात को ध्यान में रख के आप आए हैं मतदाता केंद्र पे? अपना वोट डालने के लिए, अपना मतदान देने के लिए। यहाँ क्या समस्याएं क्या है, किस तरह की बात है? नहीं, अभी तक तो थोड़ा लाइन में खड़ा होना मुश्किल है, बाकी और सब कुछ ठीक ही चल रहा है। ऐसे जो यहाँ आर्थिक नाकेबंदी लगी हुई है उससे कोई परेशानी या ये सड़क की कमी, कौन सी बातें हैं आपके मन में? हाँ, सड़क की कमी है, थोड़ा मुसीबत है, पहाड़ी इलाका है जी, यही सब है। और आर्थिक नाकेबंदी से परेशानी? परेशानी वो भी तो नाकेबंदी की परेशानी ही है, हम लोग बहुत दिन से यहाँ नाकाबंदी लग रखा है। और क्या परेशानी है इधर? बाकी और तो ठीक ही है लगभग मेरे ख्याल से सर। तो आप अमृता देख सकती हैं कि जनता बहुत जोर शोर से नहीं बोल रही है क्योंकि यह इलाका काफी संवेदनशील है, आप समझ सकती हैं। लेकिन दो बात ये कह रहे हैं कि आर्थिक नाकेबंदी से भी इनको परेशानी है और सड़कों की घोर कमी है। इस इलाके में सड़कों की घोर कमी है, नेशनल हाईवे का इलाका है, लेकिन नेशनल हाईवे की स्थिति ऐसी है जो लय की गली मोहल्ले की भी सड़कों से बदतर स्थिति है। वहां गड्ढों के बीच में कुछ कुछ जगह पे सड़कें दिखाई पड़ जाती हैं, इस तरह की हालत है। तो यहाँ के लोग दो चीजों से काफी परेशान हैं अमृता। बिल्कुल, जाहिर तौर पे ये मुद्दे उनके जहन में जरूर होंगे जब वो वोट डालने के लिए आज निकल रही हैं। शुक्रिया अखिलेश सुमन इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए आपका। और अब खबर यूपी में हुए एनकाउंटर की। लखनऊ में मंगलवार दोपहर शुरू हुई मुठभेड़ 12 घंटे के बाद आज तड़के खत्म हो गई। सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध आतंकी को मार गिराया है। दिल्ली से गृह मंत्रालय भी पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए था। मारे गए आतंकी के मध्य प्रदेश में ट्रेन में हुए धमाके में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। लखनऊ में 10 घंटे से भी ज्यादा देर तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आईएस के आतंकी सैफुल्ला को मार गिराया। प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी ने देर रात मुठभेड़ खत्म होने की पुष्टि की। ऑपरेशन यहाँ क्लोज होता है, वेपन्स मिले हैं और सीनियर अधिकारी मौके पर हैं, मौके का पूरा मुआयना किया जा रहा है। अब बाकी के जो बचे हुए अभियुक्त हैं, जो सस्पेक्ट बताए गए थे, उनकी तलाश भी जारी है, वो जारी रहेगी। यूपी एटीएस के मुताबिक आतंकी को जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई थी। मुठभेड़ की शुरुआत में ठाकुरगंज इलाके के घर में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। आतंकी की जानकारी जुटाने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल भी किया गया। मुठभेड़ खत्म होने के बाद घटना स्थल और आसपास के इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया है।
लोगों ने चिली बॉम्ब्स, टीयर गैस शेल्स इनका भरपूर प्रयोग किया, लेकिन तमाम प्रयास करने के बाद भी ये बाहर नहीं निकला। उसके बाद में हम लोगों ने उसको स्टॉर्म किया, उसको वार्निंग देने के बाद में उसने फायर किया एटीएस कमांडोज के ऊपर, और उसके प्रत्युत्तर में हम लोगों ने भी फायर किया। मारा गया आतंकी आईएस के खुरासान मॉड्यूल का सदस्य था। बम धमाके को अंजाम देने के लिए आतंकी पुष्पक एक्सप्रेस से भोपाल पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि आतंकियों ने ट्रेन में लगाए गए बम की तस्वीरें भी ली थी, जिसे उन्होंने सीरिया में बैठे अपने आकाओं के पास भेजा। भाग्य मानूंगा कि नीचे उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना आतंकियों ने सोचा था। यदि ये पाइप बम जमीन पे नीचे वर्ष में नीचे फटता तो कई जाने जा सकती थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर के मुताबिक देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंगलवार सुबह मध्य प्रदेश में भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हुए धमाके के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस को पड़ताल के दौरान आतंकियों के इनपुट मिले थे। इसी आधार पर कार्रवाई की गई। ट्रेन में हुए विस्फोट में करीब 10 लोग जख्मी हो गए थे। कुछ की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने गंभीर रूप से घायलों को 50,000 जबकि मामूली रूप से घायलों को 25,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पांच राज्यों में चुनाव का धुआंधार प्रचार, किसकी होगी जीत, किसको मिलेगी हार, कौन होगा विपक्ष में, किसकी बनेगी सरकार, देखिए राज्यसभा टेलीविजन पर पल पल की खबर। लोकतंत्र 2017। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने दाहेच में ओएनजीसी के एक पेट्रोकेमिकल प्लांट का उद्घाटन किया। भरूच में कल उन्होंने नर्मदा नदी पर बने देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन और बस पोर्ट की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात में 12,000 करोड़ रूपये के निवेश से 8 राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद रोजाना 22 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि निवेश और रोजगार उनकी सरकार की प्राथमिकता है। श्रमिकों की सुविधा के लिए, जॉब मार्केट के विस्तार के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। उद्योगों में निवेश आकर्षित करने के साथ साथ कौशल विकास के लिए भी भगीरथ प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव को देखते हुए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें दिल्ली कांग्रेस के बूथ स्तर के कार्यकर्ता शामिल हैं। कांग्रेस को एमसीडी चुनाव में बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी से टक्कर मिल सकती है। एमसीडी की स्थिति में सुधार लाने और दिल्ली के लोगों को बेहतर सुविधा देने के वायदे के साथ प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव से पहले ब्लूप्रिंट लॉन्च किया था। हमारी सरकारें बनती हैं तो एक व्यक्ति की सरकारें नहीं बनती हैं। हमारी सरकारों में हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की आवाज गूंजती है। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जीएन साईं बाबा समेत 6 लोगों को माओवादियों से संपर्क रखने का दोषी करार दिया है। अदालत ने प्रोफेसर जीएन साईं बाबा समेत 5 लोगों को देश के खिलाफ साजिश समेत विभिन्न धाराओं के तहत दोषी बताते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने विजय तिर्की को 10 साल की सजा सुनाई है। रामलाल आनंद कॉलेज के प्रोफेसर जीएन साईं बाबा फिलहाल जमानत में हैं। पनामा पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों से 4 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। इस दौरान केंद्र इन 6 एजेंसियों की सील बंद लिफाफे वाली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिफाफा बंद कवर में रिपोर्ट्स मिल जाने के बाद ही इस मामले की जांच का फैसला लिया जाएगा।
मामले की अगली सुनवाई की तारीख 18 अप्रैल को होगी। पनामा पेपर्स लीक के नाम से अमेरिका के कुछ खोजी पत्रकारों के एक एनजीओ ने कुछ अहम दस्तावेजों का खुलासा किया था। दस्तावेजों की गहरी छानबीन के बाद जांच में ढेरों फिल्मी और खेल जगत की हस्तियों के अलावा लगभग 140 राजनेताओं की छिपी संपत्ति का खुलासा हुआ था। भारत ने श्रीलंकाई नौसेना की गोलीबारी में मारे गए मछुआरे को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। जकार्ता में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने श्रीलंका राष्ट्रपति के समक्ष ये मामला उठाया। राजनीतिक दलों और मछुआरा संगठनों की ने भी इस घटना की निंदा की है। श्रीलंका ने गोलीबारी की घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारतीय मछुआरे की हत्या के विरोध में कुछ यूं प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी श्रीलंका के खिलाफ सख्त और फौरन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं जकार्ता में श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना से मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने ये मुद्दा उठाया। इसके बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। He had spoken to the chief of the Sri Lankan Navy, who had said that no such incident from this side of Sri Lankan forces took place. He has ordered, the president has ordered full investigation, that report should be made to him. इधर केंद्र सरकार ने भी श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के सामने मछुआरे की हत्या का मामला उठाया है। श्रीलंका में भारत के राजदूत ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से इस मुद्दे पर चर्चा कर भारत की चिंताओं से अवगत कराया। We have seen the reports of the killing of the Indian fishermen. The matter has been taken up at very high levels with the Sri Lankan government through our High Commission in Colombo. And safety and security of all Indian fishermen is a and of in fact all Indians abroad is a matter of very serious concern for this government. श्रीलंका की इस कार्रवाई पर डीएमके ने केंद्र से कड़े कदम उठाने की मांग की है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर चिंता जताई है। सोमवार को श्रीलंकाई नौसेना की ओर से की गई गोलीबारी में एक भारतीय मछुआरे ब्रिडेगो की मौत हो गई। श्रीलंकाई नेवी ने जिस दल पर गोली चलाई उसमें 6 मछुआरे थे। श्रीलंका का आरोप है कि सभी मछुआरे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पार कर श्रीलंका की समुद्री सीमा में घुस आए थे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि गोली चलाने से पहले मछुआरों को चेतावनी दी गई थी या नहीं। रविवार को भी श्रीलंकाई नौसेना ने 24 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद स्वदेश लौट आए हैं। जकार्ता में हुए सम्मेलन में भारत समेत सभी सदस्यों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक दूसरे की मदद करने पर सहमति जताई है। साथ ही इस बारे में खुफिया जानकारी साझा करने का फैसला किया है। जकार्ता में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन सम्मेलन में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को अलग थलग किया जाना चाहिए और आतंकियों की मदद करने वालों पर कड़े प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। The view that anybody can get away by promoting terrorism is getting more and more sidelined. I think the message is very clear that any country which promotes terrorism consciously and consciously is not welcome in the community of nations today and tomorrow. उन्होंने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र की खुशहाली के लिए मुक्त व्यापार और समुद्री रास्ते हमारी अनिवार्य जरूरत हैं। सभी को इसका सम्मान करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने आपसी विकास के लिए IORA सदस्यों के उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर सहयोग की व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। I think in the coming years you will see more activities developing and some of the initiatives which were announced by us today on behalf of India will begin to give it a concrete shape. Indian Ocean Rim Association सम्मेलन में जकार्ता सहमति पत्र को भी मंजूरी दी गई। इसमें सदस्य देशों के बीच समुद्री सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रयास, आर्थिक सहयोग और महिला सशक्तिकरण से जुड़े 4 समझौते शामिल हैं।
इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले 21 देश शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी समेत 7 डायलॉग पार्टनर्स हैं। अपर्णा पारिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खेल की खबर। बंगलुरु टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन की फिरकी के दम पर भारत ने रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को कल 75 रन से हरा दिया। उन्होंने 41 रन देकर 6 विकेट हासिल किया। दूसरी पारी में 188 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज 112 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। इस जीत के साथ भारत ने 4 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। बेंगलुरु टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत ने लोकेश राहुल, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के अर्धशतकों से दूसरी पारी में 274 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के सामने 188 रनों का लक्ष्य रखा। लोकेश राहुल ने 51, अजिंक्य रहाणे ने 52 और चेतेश्वर पुजारा ने 92 रन बनाए। मैच में मजबूत स्थिति में दिख रही ऑस्ट्रेलिया 74 रन पर 4 विकेट गंवाने के बाद दबाव में आ गई और मेहमान टीम 112 रन पर ही ढेर हो गई। आर अश्विन ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 41 रन देकर 6 विकेट लिए। उन्होंने पहली पारी में 2 विकेट लिए थे। It was a quite emotional game for us, quite draining as well. You know, everyone got along together. We showed the team spirit. You know, it's not just about one individual here. I'm pretty happy if they keep focusing on the head of the snake, and I think some people need to keep that in mind. But by far the sweetest victory for us. पहली पारी में टीम 189 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल ने सर्वाधिक 90 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से नाथन लियोन ने घातक गेंदबाजी करते हुए 50 रन देकर 8 विकेट लिए थे। जवाब में पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 276 रन बनाए थे। लोकेश राहुल को दोनों पारियों में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसी के साथ भारत ने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जाने माने शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी की आज जयंती है। साहिर ने कई सुपरहिट फिल्मों के लिए गाने लिखे। उनकी कलम से निकले गीत आज भी लोगों के जहन में हैं। 8 मार्च 1921 को लुधियाना में जन्मे साहिर ने 1949 की फिल्म आजादी की राह में फिल्मी सफर की शुरुआत की। फिल्म नौजवान में लिखे उनके गीत खूब मशहूर हुए। नया दौर, प्यासा, धूल का फूल, बरसात की रात, गुमराह, हमराज और कभी कभी जैसी सदाबहार फिल्मों के गाने लिखे। उन्हें 2 बार फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार के पुरस्कार से नवाजा गया। 25 अक्टूबर 1980 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। साहिर लुधियानवी पर आप हमारा खास कार्यक्रम उनकी नजर उनका शहर राज्यसभा टीवी पर देख सकते हैं 8:30-2:00। ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब। उनकी नजर उनका शहर देखिए सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में आखिरी दौर का मतदान जारी। शांतिपूर्ण वोटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अति संवेदनशील बूथों पर खास नजर। लखनऊ में 12 घंटे चली मुठभेड़ में संदिग्ध आतंकी सैफुल्ला ढेर। यूपी एटीएस ने बताया आईएस के खुरासान मॉड्यूल का सक्रिय सदस्य। देश भर में अलर्ट। उपराष्ट्रपति का आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर। आतंकियों के मददगारों पर कड़े प्रतिबंध की वकालत। मुक्त समुद्री व्यापार को बताया समय की जरूरत। मछुआरे की हत्या पर भारत की कड़ी आपत्ति। राजनीतिक दलों और मछुआरा संगठनों ने की घटना की निंदा। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने दिए जांच के आदेश। और बेंगलुरु टेस्ट जीतकर टीम इंडिया ने की सीरीज में बराबरी। ऑस्ट्रेलिया को 75 रनों से हराया। लोकेश राहुल बने मैन ऑफ द मैच। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।